प्यार के साइड इफेक्ट जानलेवा भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला डिंडौरी से सामने आया है, जहां प्यार में नाकाम रहे एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस अब इस अधूरी प्रेम कहानी की तफ्तीश कर रही है। केवलारी निवासी 27 साल के ब्रजमोहन मसराम ने राय के जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्रजमोहन 21 जून को गुजरात से घर आने के नाम से निकला था, लेकिन उसने घर पहुंचने से पहले ही आत्मघाती कदम उठा लिया। मौत से पहले ब्रजमोहन ने अपने भाई को मैसेज किया था, जिसमें आके ले जाने और अकेले ना आने की सलाह देते हुए आत्महत्या स्थल की लोकेशन भी भेजी थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो प्रेम प्रसंग का किस्सा निकला। युवक के पास से टी शर्ट मिली, जिस पर सुसाइड नोट लिखा हुआ है। टी शर्ट पर लिखा है कि डियर माई लव, तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, लेकिन आप ऐसे क्यों छोड़कर चले गए। गुजरात से आ रहा था ये, गुजरात से 21 तारीख को निकला और इसके बाद इंदौर पहुंचा। इंदौर पहुंचने के बाद कॉल किया कि भैया मैं पहुंच गया हूं इंदौर, अब यहां पता करता हूं कि ट्रेन कितने समय, फिर यहां से निकलता हूं मैं। इसके बाद इंदौर जैसे पहुंचा है वहां से कांटेक्ट ख़त्म हो गया, ना किसी से बात कर रहा था, ना कुछ SMS का रिप्लाई कर रहा था, कुछ भी नहीं। इसके बाद मेरे पास कल मैसेज आया रात में 2 बजे कि भैया मैं यहाँ हूँ, राय के जंगल में हूँ, तो आके मेरे को ले जा लो, और उसके साथ लोकेशन भेजा इसने, और ये भी बोला कि अकेले मत आना, किसी को साथ में लेकर आना। अब जैसे मैं पहुंचा वहां पे खत्म हो गया। आज सुबह सूचना आई थी थाने पर कि कोई ब्रजमोहन मसराम करके है, जो गुजरात में काम करता था बंदरगाह पर, उसने राई और बर्गर के जंगल में फांसी लगा ली है। हम लोग गए थे, लाश वगैरह लेकर के आए हैं, उन्हें एक सुसाइड नोट भी लिखा है, फैमिली के बारे में भी लिखा है। भैया मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और माँ का ख्याल रखने, इस टाइप का लिखा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।